गुस्से में दिख रहे हैं दरबार में। नहीं वो गुस्सा नहीं था एक्चुअली, वो था कि जितने भी बाकी हमारे जो सामंत वगैरह हैं, जितने हमारे सैनिक हैं, वे बहुत घबरा गए क्योंकि सबको पता है कि अकबर जो है वो चित्तौड़ पर हमला कर रहा है, और रात से जो है पूरी रात जो है उसने उसने गोलाबारी की उसने, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि सब लोग बहुत बहुत एक तरह से कोई सो नहीं पाया रात भर, पूरा जो है चित्तौड़ दुर्ग जो है पूरा हिला हुआ है, टेंशन का माहौल है बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से वो सबको प्रताप जो है सबसे वो कहना चाह रहे हैं कि आप सभी जो है अपना जो है धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, थोड़ा दिमाग से सोचें। कहते हैं कि इतनी गर्मी में भी हमें कई बार बहुत दिमाग को ठंडा रख के सोचना पड़ता है, तो वही प्रताप कह रहे हैं सबसे कि ऐसा माहौल है, बहुत टेंशन का माहौल है, युद्ध का माहौल है, तो आराम से सोचें और कुछ ऐसे कुछ कहते हैं ना कि इम्पल्सिवली हम लोग कुछ हड़बड़ी में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग कर देते हैं जो जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो वही प्रताप कह रहा है कि आप लोग हड़बड़ी में जो है कुछ मत कीजिए, सबसे कह रहा है अपने जितने भी उसके उसके सैनिक हैं, सामंत जो हैं, कि जो भी करें सोच समझ के करें, जो भी निर्णय लें सोच समझ के लें और डर के कुछ मत करें। तो प्रताप जो है सबसे दरबार में सबसे बात कर रहे थे इसलिए। अपने मतलब सारी महिलाओं का पक्ष भी ले रहे हैं, कुछ उनके बारे में हाँ बात वो कर रहे हैं सब भी बेसिकली लोग। यही था कि प्रताप नहीं चाह रहे कि जो इतने वर्षों पहले जो जो जौहर हुआ था, जहाँ 13,000 जो है राजपुतानियों ने जो है कूद कर जो है बलिदान दिया था, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, और बस एक तरह से एक सिचुएशन अवॉइड कर रहे हैं कि जो 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 महल की जितनी स्त्रियां हैं, जितनी औरतें हैं, उन्हें जो है गर्व से जो है वे सम्मान के साथ वे जिए, और अगर अकबर जो है हमला करता है चित्तौड़ पर, चित्तौड़ दुर्ग पर, तो जाहिर सी बात है वो सबको जो है दास बना लेगा, और ये जो है प्रताप नहीं चाहेगा। प्रताप चाहेगा कि जितने भी उसके लोग हैं उसके जीवित रहते हुए चित्तौड़ पे कभी जो है अकबर हमला नहीं कर पाए। तो ये जो है मेन प्रताप का गोल यही है कि चित्तौड़ को बचाना है, चित्तौड़ के दुर्ग को बचाना है, उसके उसके जितने लोग हैं, जितने नागरिक हैं, जितने सिविलियंस हैं, सबको बचाना है। एक बार पहले ही मुगलों को मतलब प्रताप ने जो है भगा दिया था अपनी चतुराई से, तो अब क्या कैसे क्या करने वाला है? अभी अभी ऐसा है कि बाकी ही बहुत टेंशन का माहौल है, क्योंकि जो है सब लोग जो हैं जितना राज परिवार है सब लोग जो हैं दुर्ग छोड़कर चले गए हैं, प्रताप ने सबको बाहर भेज दिया है, वो अकेला अब अकेला जो है वो पूरा महल में है, बाकी जितने हैं सैनिक जो हैं सामंत हैं वे सब हैं, लेकिन बाकी जितने भी जो रॉयल फैमिली है वो सब जा चुकी है। तो अब कोशिश करेगा प्रताप की कुछ हल निकाले, लेकिन अभी जो है सब लोग बहुत हिले हुए हैं, सब लोग बहुत टेंस्ड माहौल है, मतलब पूरा जो है माहौल बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड है, कभी भी जो है अकबर हमला कर सकता है, ऐसा है। जल्दी प्रताप इसका तोड़ निकालने वाले कोशिश हैं। तो कर रहे हैं, देखिए उसकी कोशिश तो लगातार चल रही है काफ़ी एपिसोड से 2-3 एपिसोड से कोशिश चल रही है कि प्रताप कुछ कुछ सोल्यूशन निकालें, कुछ हल निकालें, देखते हैं आगे क्या होता है, बट डेफिनेटली पूरी कोशिश होगी प्रताप की वो चित्तौड़ को बचाए। लास्टली टू योर व्यूअर्स, हमेशा की तरह प्लीज़ की वॉचिंग महाराणा प्रताप, डेफिनेटली आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत आप लोग मैं कहूँ तो आप लोग बहुत लॉयल व्यूअर्स हैं हमारे शो के, तो मैं चाहता हूँ और भी व्यूअर्स जो हैं जुड़ें और भी लोग देखें, और क्योंकि डेफिनेटली बहुत ही कमाल का शो है। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं ही शो कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये हिस्ट्री है, हमारी हिस्ट्री हम सब जानते हैं बहुत रिच है महाराणा प्रताप के बारे में है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि मुझे ये किरदार निभाने का अवसर मिला। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग महाराणा प्रताप, ट्रूली मुझे अब लगता है कि महाराणा प्रताप वॉज अ सुपर हीरो, और आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ज़रूर कुछ अच्छा किया होगा पिछले जन्म में कि मुझे महाराणा प्रताप बनने का अवसर मिला। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग महाराणा प्रताप, लव यू, थैंक यू। थैंक यू।